बाबा जी की हेल्प तो करनी बनती है ना। चाचा जी ये कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे अक्षय कुमार वाला डायलॉग तो बनता है, पैसा ही पैसा हो गया। भागो भाई भागो भागो। इक्कीस हजार पेंसिल्स। फ्रॉडिया बकास बिरयानी वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज मैं आपको लेकर जाने लगा हूँ लाहौर के सबसे बिजीएस्ट मार्केट शाह आलम मार्केट में, और शाह आलम को ए टू जेड एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे मज़े मज़े के खाने भी मिलते हैं, स्ट्रीट फूड मिलता है और बच्चों के खिलौने मिलते हैं, जिसे खिलौना मार्केट कहा जाता है, और हर तरह की मतलब ज़रूरत का हर सामान शाह आलम मार्केट से आपको मिल सकता है। सो लेट्स गो। तो ये है जनाब आपकी एक रात वाली मस्जिद, और ये है मेन शाह आलमी चौक। जी जनाब, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ ये मेन शाह आलमी चौक है, ये क्रॉस करके वो जो सामने नज़र आ रहा है ये है शाह आलम मार्केट। बीच में से डबल रोड है और दो तरफा सामान बिकता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वापसी पर ऐसे घूम के इस तरफ आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। लाहौर के इस बिजीएस्ट मार्केट में आपके घर के किचन के साजो सामान से लेकर आपके घर के दरवाजे की चौखट पे बिछाने वाली चटाइयाँ तक मिल जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ के TCS ऑफिस से। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे TCS ऑफिस भी मौजूद है शाह आलमी मार्केट के बिल्कुल सिरे पे। और इसके साथ ही फी सबीलिल्लाह पानी का फिल्टर भी लगा हुआ है, जहाँ से पीने का पानी लोग भर भर के ले जाते हैं। तो यहाँ से जनाब इलेक्ट्रिक शॉप्स शुरू हो जाती है, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपको पता है मुझे खाने की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो ये रहा खाना। वाह यार, फ्रेश फूड। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओफो, ठीक है, आई मीन फ्रूट्स। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके घर के साजो सामान के साथ साथ स्ट्रीट फूड भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से बिकता है और बड़े शौक से लोग खाते भी हैं। जैसे कि अभी ये जनाब माल्टे छील रही थी। अबे ढक्कन वो कीनू था। अच्छा बाबा, हो जाती है गलतियाँ यार। तो यहाँ पे भाई प्लास्टिक और जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, कराकरी वाले सामान मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर ये प्लास्टिक की डबिया है ना, ये यहाँ की फीमेल्स बड़े ज़ोर शोर से ख़रीदती हैं घर के किचन वगैरह के लिए, और वैसे सस्ते भी मिल जाते हैं आम बाज़ारों के मुकाबले में। इनमें 20 रुपये, 30 रुपये और 40-50 वाली डबिया मिलती है। फिर से खाना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो यहाँ से शुरू होके लास्ट तक जगह जगह आपको रेडिया नजर आएंगी स्ट्रीट फूड के, जहाँ पे समोसे पकोड़े और दीगर अशिया मिलती है, साथ साथ बिरयानियाँ भी मिलती हैं जैसे कि ये। तो जनाब अब आपको आइटम्स गिनवाते हैं कि अभी यहाँ पे ग्लासेस मिल रही थी, अब ये बच्चों के खिलौने, और इस तरह आपकी जिस भी चीज़ पे नज़र पड़े वो अलहदा और नुमाया होगी, बिल्कुल जैसे कि ये डेकोरेशन पीसेस आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से बने हैं यार। इनको यहाँ पे स्पेशली जब मैं आता हूँ ना, तो मेरा यहाँ से वापस जाने का दिल ही नहीं करता, तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक के इनको देख लेता हूँ। इससे ना दिल को एक सुकून सा मिलता है, मज़ा सा मिलता है। ये एक एक बॉल 100 रुपये से लेके 300 तक, और जो बड़ी वाली बॉल्स जैसे कि ये डेकोरेशन लाइटिंग है, ये काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि ये गरीब के बस की तो बात है नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। और ले 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 बाबा, कितना क्यूट बेबी है यार। ये वैसे पूरे बाजार में मुझे खुराक वाली चीज़ें ही क्यों नजर आती है? अरे क्योंकि तू भुक्कड़ है, भुक्कड़। ये बात तो वैसे सही बोली यार। अच्छा, ये इन्होंने वकास बिरयानी लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये वकास से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो हॉल रोड वाली साइड पे मिलती है यार। कुछ भी, और बाप रे, पेंसिलों का तूफान। इतनी पेंसिलें भाई कौन खरीदेगा? हाँ, ड्राई फ्रूट्स। अब यहाँ से शुरू हो जाती हैं डेकोरेशन वाली शॉप्स, जिसमें बड़े बड़े एंटिक पीसेस होते हैं, जैसे कि ये दो वास बड़े बड़े आप लोगों ने स्पेशली ड्रामास में देखे होंगे, और यहाँ पे
जो खिलौने होते हैं बच्चों के और खिलौनों के साथ साथ डेकोरेशन वाले सामान भी, ये स्कूल किड्स के वाटर बॉटल्स और में बहुत सारे डिज़ाइन वगैरह होते हैं। अच्छा ये आगे क्या बिक रहा है, आगे क्या बिक रहा है? अच्छा ये हाँ वाटरप्रूफ सामान है जैसे कि छतरी वगैरह, ये चटाइयाँ और साथ साथ ये बैग्स वगैरह की दुकान। ये सामने एक और शॉप जहाँ पे यही प्लास्टिक वगैरह का सामान मिलता है। मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सामान बहुत मुफीद है क्योंकि गर्मियों वाले दिनों में हम चटाइयाँ बिछा के सो जाते हैं आराम से घोड़े बेच के। इस वाली स्टॉल से मैंने कल ही कुछ ख़रीदा था, गैस करें क्या, वो जो लाइटर में पानी होता है ना, मतलब गैस, तो वो जब ख़त्म हो जाता है उसके लिए इन्होंने एक और अल्टरनेटिव रखा हुआ है, तो वो मैंने ख़रीद के वापस लाइटर में भर दिया और फिर से लाइटर ने काम करना शुरू कर दिया। यार भाई साहब ये चीज़ें तो मतलब सर्दियों में बिकती हैं, अब गर्मी में इन चीज़ों का भला क्या काम। यहाँ पर घर के यूज़ के लिए स्लीपर्स मिलते हैं लेकिन ये महंगे होते हैं, ये पहले ही बता दूँ। नगीने यूज़ करने वाले मर्दों देख लो। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को कुछ गरीब लोग दिखाऊंगा जिनकी मदद ज़रूर होनी चाहिए, हमसे जितना हो सकता है हम तो करेंगे ही। आप लोगों से भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों की ज़रूर मदद कर लिया करें। हाँ की चेन्स फहद वाला भी मिल जाए या फिर फरहान वाला, दोनों में से एक हाथ तो मिल ही जाएगा। ये स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ये खिलौने, ये हैंकर्स है जिन पर कपड़े टंगे जाते हैं, या फिर से खिलौनों वाली शॉप, लेकिन यहाँ पे महंगे मिलते हैं। अभी मैं आपको खिलौना मार्केट लेके जाने लगा हूँ, वहाँ पे यही चीज़ें बिल्कुल हाफ रेट पे मिलती हैं। इन चीज़ों के अलावा आगे प्लास्टिक तो आपको दिखा चुका हूँ, आगे जाके ये जो बच्चों के शूज़ और स्लीपर्स हैं ये मुनासिब रेट पे मिलते हैं, यहाँ पे 200 से 250 तक की रेट में। लेकिन ये जो खिलौने वाली शॉप से, ये देखिए 250 की रेट है होलसेल, ये महंगी है भाई। ये देखिए अब ये भी होलसेल की शॉप्स है लेकिन यहाँ पे भी खिलौने बड़े महंगे मिलते हैं। स्पेशली यहाँ पे लोग जो ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं बच्चों के लिए खिलौने वगैरह, तो ये ऑनलाइन काम करने वाले हैं, मतलब इनका हाफ से ज़्यादा काम ऑनलाइन ही होता है। नायाब डेकोर, डेकोरेशन पीसेस और ऑनलाइन खिलौने। ये फिर से चटाइयों वाली शॉप है, यहाँ पर ये चीज़ें हम चौकट पर रखते हैं और ये बड़े फ़ायदेमंद है। अच्छा मास्क वगैरह भी बिक रहे हैं यहाँ पर, और आजकल तो लोग यूज़ नहीं कर रहे लेकिन बहरहाल लड़कियाँ यूज़ करती हैं फैशन के लिए। पैम्पर्स शॉप, यहाँ पे बच्चों के पैम्पर्स मिलते हैं हर कंपनी के, जिस कंपनी के मांगो हर कंपनी के मिलते हैं। ये रही भाई वॉच शॉप या स्टॉल कह सकते हैं, यहाँ पे भी मुनासिब रेट पे, मतलब 150 से लेके 200 तक आपको अच्छी खासी वॉच मिल जाती है। ये खुले में सब कुछ मिलता है यहाँ पे, जो बच्चों की खुराकें होती हैं जैसे कि बिस्किट, चॉकलेट, टॉफियाँ वगैरह, और ये भी थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि ये इन लोगों से मैंने शॉपिंग की हुई है और 20 की चीज़ 40 में ये बेचते हैं। जी जनाब, तो इंतज़ार की गड़ियाँ ख़त्म, और वो जो बिल्कुल सामने वाली गली नज़र आ रही है आपको, यहाँ से फिर आगे जाके हमने लेफ़्ट टर्न करना है और वहाँ से बाड़ा मार्केट, जिसको किलोना मार्केट भी कहा जाता है, वो थोड़ा सा आगे इस साइड पर हमने जाना है। ये वही, यहाँ पर भी आपने खिलौने नहीं ख़रीदने क्योंकि ये भी रिटेलर्स हैं, लेकिन हमने जाना है होलसेल मार्केट, खिलौने वाले होलसेल मार्केट, जहाँ पे आपको रेट्स का बिल्कुल मुनासिब रेट मिलेगा, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। ये जो आपको कोने में शॉप नज़र आ रही है सूफ़ी, ये बहुत फेमस शॉप है और हमें जो कुछ केचप वगैरह चाहिए होता है, जैम्स या शैम्पू वगैरह, वो हम सब इन्हीं से ख़रीदते हैं और एक नंबर चीज़ होती है। अब यहाँ से टर्न लेके मैं लेफ़्ट साइड पे हो गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकें तो जो जहेज़ वाली चीज़ें हैं जैसे कि लड़कियों के साथ इस्त्री हो गई, ओवन हो गया और इस तरह की चीज़ें, इलेक्ट्रिक सामान यहाँ पे बिकता है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे जाके इस लाइन पे, इस रूट के एंड पे खिलौना मार्केट शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस मार्केट के बारे में भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ से भी काफ़ी मकदार में ख़रीदारी होती है। ये अगर किसी बहन बेटी की शादी हो तो वो लोग यहाँ पे आके यहाँ से सामान ख़रीद सकते हैं और यहाँ पे आम मार्केट्स के मुकाबले में सस्ते मिलते हैं चीज़ें। अगेन यार मेरी नज़र स्ट्रीट फूड पे पड़ गई, आय हाय फिर से कराकरी वाला सामान, बहुत रश है यार यहाँ पे। तो खिलौना मार्केट की तरफ निकल पड़े, वो मुझे नज़र आ रहा है वहाँ से शॉप शुरू होती है। और भाई इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई है और ये आपका खिलौना मार्केट शुरू होने वाला है
होने वाला है, मतलब ये सारी शॉप्स नहीं, ये रिटेल प्राइस पे ही चीज़ें बेचते हैं। मैं वो सामने खिलौना मार्केट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू हो जाता है किस्सा हमारा। ये भाई, ये खिलौना मार्केट यहाँ से शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में अब तक आपने जितने खिलौने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखे होंगे, यहाँ पे वो सब मिलते हैं। यहाँ इतनी बड़ी मार्केट में से भी नीचे बेसमेंट्स में भी दुकानें होती हैं, और तो और छतों पे भी दुकानें हैं। मतलब हर दुकान के नीचे और ऊपर को भी उन्हीं के फ्लोर्स होते हैं जो खिलौनों से भरे हुए होते हैं। वो सामने देख ले आप, वहाँ एग्जैक्ट वहाँ पे अभी हम जाने लगे हैं। वहाँ पे ये जो रबड़ वाली चीज़ें होती हैं ना, रबड़ की खिलौने होते हैं, जैसे कि रबड़ का सांप हो गया, रबड़ की छिपकली, इस तरह के खिलौने भी वहाँ पे मिलते हैं। वाओ, समोसास, ये खाए बगैर तो यहाँ से मैं हिलने वाला नहीं। हाँ, सब्जी वाले समोसे, मतलब कि इसमें सैलड वगैरह होते हैं। ईद आने वाली है तो भाई यहाँ पे ईद में बच्चों के यूज़ के खिलौने भी मिल रहे हैं, जो कि पिस्टल्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे, और वो जो क्या कहते हैं उसको, कलाशिंग कोप वगैरह, जितने भी बच्चों के सारे यूज़ के खिलौने होते हैं। बस जाते रहो जाते रहो, दुकानें ही ख़त्म नहीं होती खिलौनों की। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि पूरे लाहौर के खिलौने लोगों ने यहाँ पर ला के रख दिए हों, और सस्ते इतने कि आपके होश उड़ जाए। सीक्रेट बात यह है, रास की बात यह है कि यहाँ से बाहर निकलते ही जो खिलौनों वाली शॉप्स है जहाँ पे टॉयज बिकते हैं, वो इनके डबल की प्राइस की होती है, मतलब पास वाली शॉप्स में ही। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता क्योंकि ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ है। चलिए बलून्स की प्राइजेस मालूम करते हैं। सर जी, पैकेट कैसे दिए? 350। पीस कितने? 100 पीस। आइला आईफोन। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अबे भोसड़े के, तेरे को क्या, जहाँ से भी आते हैं। अच्छा, तो बच्चों के बैट और बॉल। खिलौनों के साथ साथ ऐसी कई सारी चीजें भी यहाँ पे मिलती है जो घर में आम तौर से हमारी ज़रूरत में आ सकती होती है, जैसे कि स्क्रू रेंच, पिचकस। बाप रे, इतना पैसा, 3 जन ऐसा कर लेंगे। जी जनाब, तो अब समोसा खाते खाते आपको इस सारे इलाके का बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ओए शो, कुछ कुछ बेबी डॉल्स। मैं जब भी ज्वेलरी खरीदने जाता हूँ तो यहाँ से खरीदता हूँ, अच्छी होती है। इस टाइम हम है खिलौना मार्केट के दूसरी वाली साइड पे, और मुझे एक मस्जिद दी गई है, तो लेट्स सी फ्रॉम इनसाइड। हाँ, माशाल्लाह से अच्छी है, ब्यूटीफुल। यहाँ से आपको ज़्यादातर ज्वेलरी का सामान ही मिलेगा। खिलौना मार्केट पे जैसे ही इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जब आते हैं आपको, तो यहाँ पे खिलौने कम, ज्वेलरी के सामान ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे लेडीज़ काफ़ी आती हैं ज्वेलरी का सामान लेने। ये देखिए, सारी ज्वेलरी शॉप ही है, और ये होलसेल के रेट में भी देते हैं। बाय द वे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपस की बात है, मैं अब यहाँ पे खो गया हूँ। खुदा की कसम, मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक वॉच ख़रीदनी है। मेरे कॉलीग की फ़ोन आई थी, तो उनको एक बच्चों के लिए वॉच चाहिए थी जिसके साथ बहुत सारे पट्टे होते हैं। तो लेट्स सी, किस जगह घूम रहा हूँ, वापस जाने का रास्ता ही भूल चुका हूँ। आई थिंक यही शॉप है। तो अब यहाँ से ख़रीदेंगे हम एक वॉच, बल्कि मैंने पसंद भी कर ली है। दिखाओ ज़रा। ये वाला कम है इसमें? कौन सा कम? नहीं, एक ये लगा हुआ है। अच्छा, ये इसका वाला है? इसका वाला ये आया ना। ठीक हो गया, ठीक हो, समझ आ गई। बड़ा हरामी हो तू, दम घुट रहा है मेरा दम। बाहर का रास्ता, बाहर का रास्ता।
अरे बाल। अबे झिंगूर ये तेरे किसी काम के नहीं, आगे बढ़। यार छिरकुट तू इतना जलता क्यों है मुझसे? एनीवेज गाइस यहाँ पे अब मेरा काम भी हो चुका है और वैसे भी मेरा दम घुटने लगा यहाँ पे, तो बाहर का रास्ता ढूंढते हैं कि किस तरह से बाहर निकला जाए। किसी से पूछ तो लूँ कि मैं वापसी जा रहा हूँ या फिर से अंदर को जा रहा हूँ। वाह लेडीज पर्स, शुक्र खुदा का वापस आ गए, बाहर को आ गए। थैंक गॉड थैंक गॉड। एक्सक्यूज मी आंटी जी, आंटी जी थोड़ा सा रास्ता, आंटी जी थोड़ा सा रास्ता दीजिए प्लीज़। आंटी जी प्लीज़ साइड। यार कमाल है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं अंकल, आंटी जी को साइड पे। यार आप नहीं समझोगे, यहाँ से जाएंगे वापसी बिल्कुल सीधे सीधे और वो दूसरा वाला साइड आपको दिखाऊंगा अभी, तो लेट्स सी। वाओ बच्चों के साइकिल्स और प्लास्टिक की चीज़ें। अच्छा यहाँ पे किचन वाला सामान ज़्यादातर मिलता है। अरे पतीले शतीले भी हैं और पंखे। ओ यार पंखे की तो बात ही मत करो, इतने महंगे मिल रहे हैं आजकल, इतने महंगे हो रखे हैं, इतने महंगे हो रखे हैं कि बस छोड़ ही दो। वाओ साइकिल्स, छोटे छोटे साइकिल्स। अम्मा फराक फूड, मैं इतना फूडी क्यों ऐसे? क्योंकि तू बुक्कड़ है बुक्कड़। डेकोरेशन पीसेस, डेकोरेशन पीस। चुप कर जा यार, मार खाएगा तू। जितने तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे तो सारा डेकोरेशन का सामान ही मिल रहा है, जैसे कि यही चटाइयाँ, यही डेकोरेशन, प्लास्टिक के फ्लावर्स वगैरह वगैरह, और साथ साथ ही कुछ क्रॉकरी के दुकान, जैसे कि ये शॉप है इसकी बोर्ड की तरह यार ऊपर। हाँ ये हजवेरी क्रॉकरी। ये क्या है? ओ अच्छा ऐसा क्या, खिलौने। ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यार बड़ा दर्द हुआ इन बाबा जी को देख के। आई थिंक आई शुड हेल्प हिम ना। बाबा जी बिस्मिल्लाह, जजाक अल्लाह सलाम। यार अल्लाह की कसम ऐसे बाबा जी को देख के बड़ा दिल अफसरदा हो जाता है। मतलब वो काम करने के लायक थोड़ी थे, हाथ में उन्होंने कुछ 50 से 60 रुपए की कोई वो गुड़ वाली चीज़ें रखी हुई हैं बेचने के लिए। मतलब 50 से 60 रुपए की चीज़ अगर आप बेचते हैं तो उससे मुनाफा कितना मिलेगा आपको? ऐसे लोगों के घर कैसे चलते हैं? ये देखिए कौन माँ जी बैठी हैं यहाँ पे, किस कदर मुंतज़र नज़रें हैं इनकी। दिल रोता है दिल। ओके गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बस अब मज़ा नहीं आ रहा, सॉरी। ये है जी यहाँ का बाबा कुल्फी। आंसू बड़े ही छुपा लें लेकिन बेबसी बोलती है। कैसे गुजारा कर पाते हैं ऐसे लोग, मुझे मैं सोच में पड़ जाता हूँ। मतलब हम 30 से 35 हज़ार महीने के कमाते हैं और उसके लिए भी हमारा रोना ये होता है कि यार गुजारा नहीं हो रहा। ये लोग 10, 20 और 30 के हिसाब से दिन के 300-400 रुपए कमाते हैं, कैसे घर कैसे चलता होगा इनका? लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह है और बेशक रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की। वो कहा जमे खफीर देख लो यहाँ पे यार, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। भागो भाई भागो भागो, आखिरकार हाथ आ गया। सदर जावे कभी ने जी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।